फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं फिर से शुरू हो गई हूँ एक नई व्लॉग के साथ और कुछ इंटरेस्टिंग क्लिप्स के साथ। तो मैं यहाँ पे पूरे बैटर बना रही हूँ। आज मैं स्प्राउट्स, मूंग दाल, काला चना, इन सब का एक चीला बना के तैयार करूंगी। तो उसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाती रहूंगी बीच बीच में। तो चलिए फिर, आज हमारे यहाँ बन रहा है, ये देखिए, स्प्राउट्स, काले चने और मूंग दाल का चिलवा। तो मैंने ये रात भर भिगो के रख दिया था, तो करीबन 7-8 घंटे ये भीग चुका है। और अब मैं इसका पानी जो है अच्छी तरह से इन्हें वॉश कर फिर इन्हें पीस लेती हूँ। तो पीसने में यहाँ पे मैं सिर्फ एक हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा, ताकि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो नॉर्मल जैसे हम चीले बनाते हैं ना, सेम ऐसे ही बनेगा, पर ये बहुत हेल्दी रहेगा, फुल ऑफ प्रोटीन वाला रहेगा। तो चलिए मैं इस पानी को छान लेती हूँ, फिर मैं इसको पीसूंगी और इसका बिल्कुल एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। कंसिस्टेंसी आपको दिखाई दे रही होगी, ना ज्यादा रनी है। आप देखेंगे अगर चम्मच में पूरी निकाल दूं तो थोड़ा बचा हुआ है ऊपर, मतलब लगा हुआ है। तो इसमें चने हैं इस वजह से ये दाने दाने दिखाई दे रहे हैं, पर ये पूरा स्मूथ पेस्ट बन गया है। अब मैं इसमें सिर्फ नमक, तो नमक स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा आप, नमक और यहाँ थोड़ी सी लाल मिर्च, बहुत आप देख रहे होंगे, चौथाई चम्मच लाल मिर्च है ये, क्योंकि मैंने इसमें 2 हरी मिर्च डाल दी थी और 1 जिंजर का टुकड़ा डाल दिया था। तो और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे हम और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही। यहाँ मेरा तवा गरम हो चुका है और अब मैं यहाँ पे जो बैटर मैंने बना के रखा था उसको डाल रही हूँ बीच में, सेंटर में, और हल्के हाथ से इसको फैला रही हूँ। जैसे आप नॉर्मल चीले बनाते हैं ना, वैसे ही इसको भी बनाना है। पर इसका कलर आप देख रहे होंगे, क्योंकि इसमें चना ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो कलर एक डिफरेंट आया है। इसको आप बना लीजिए गोल, ये देखिए, और बहुत ज़्यादा पतले तो बनेंगे नहीं ये चीला। और इस साइड यहाँ पे मेरा दूध उबल रहा है, तो मैंने सोचा ये चीला बना देती हूँ। अब थोड़ा इसे पकने देते हैं हम, और इसके ऊपर अब मैं लगाऊंगी देसी घी। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, पर चीले मुझे थोड़े देसी घी में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं यहाँ ये डाल रही हूँ। सब अपनी अपनी चॉइस के ऊपर है। थोड़ा सा साइड में भी लगा दूंगी, हालांकि नॉन स्टिक पैन है, इसमें चिपकते नहीं हैं, पर फिर भी लगा लेती हूँ। तो इसे बनने देते हैं अभी हम। तो ये आपको हल्का सा ब्राउन ब्राउन होता हुआ दिखाई दे रहा है ना, इट मीन्स कि नीचे से सिक गया है। और अब मैं इसमें जो मैंने पनीर वगैरह काट के डाला था, जैसे नॉर्मल आप मूंग दाल चीला बनाते हैं तो वो आप डाल दीजिए पनीर, वैसे ही बनेगा सेम। ऑप्शनल है ये सब चीज़ें, टेस्ट को एनहेंस करने के लिए हैं बेसिकली। और अभी आप सोच रहे होंगे इधर साइड से क्यों नहीं सिका है, तो मैं सेकूंगी इसको उस साइड से भी। यहाँ डालकर अब मैं हल्का हल्का, देखिए कितनी आराम से छूट रहा है ये, और अब इसको फ्लिप करूँगी मैं, देखिए, ताकि जो हमने पनीर है वो भी हल्का सा हमारा सिक जाए और दूसरी साइड भी सिकता रहेगा। ये कितना सुंदर, देखिए अब कितना सुंदर कलर आया इसका। और इसको बहुत हल्के हाथ से ही सेकना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा प्रेशर डालेंगे या बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि मैं बिल्कुल डोसा की तरह बनाऊं, बन जाएंगे, पर बहुत प्रैक्टिस चाहिए होगी आपको उसमें। और ये वाले चीले जो हैं थोड़े छोटे छोटे ही अच्छे लगते हैं, मतलब इतने इतने चीले हों तो अपनी अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग खा लेता है। तो बस इसी तरीके से मैं मिलती रहूंगी। और मेरा दूध भी देखिए अब जस्ट उबलने ही वाला है, और वैसे अगर मैं देखती रहूंगी ना तो कुछ नहीं निकलेगा ये, और जरा सा हटेंगे ना हम तो तुरंत उबल जाएगा। ये बताइएगा किस किस के साथ होता है, क्योंकि मेरे साथ तो ये अक्सर ही होता है। तो चलिए, दूध उबलने से पहले मैं गैस को बंद कर देती हूँ। और यहाँ मैंने प्लेट बनाकर तैयार कर दी है। ये 2 चीले हैं, हरे धनिए की चटनी है, मीठी सौंठ है। तो आई होप आप लोगों को ये एक छोटी सी बीच में चलती हुई ब्लॉग के भी अच्छी लगी हो। तो मिलती रहूंगी इसी तरीके से कुछ इंटरेस्टिंग क्लिप्स के साथ, जो आज दिन भर होता है।
तो शाम के समय यहाँ पे अरुण कुछ स्नैक्स लेने गए हैं। आपको पूरा वो दिखा रही हूँ मैं कि इन पे कितनी वैरायटी है। बाहर जाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, सब कुछ सोसाइटी के अंदर ही मिल जाता है। तो बहुत सारी वैरायटी है इन पे, अलग अलग तरीके के चिप्स हैं, नटखट हैं, और ब्रेड, पाव भाजी, बंस वगैरह, ये सब यहीं मिल जाता है एक जगह। तो हम लोगों को, और अगर थोड़ा बहुत बाहर से मंगवाना भी पड़ता है तो जिप्टो और स्विगी है ही। तो यहाँ देखिए, यहाँ आ गई हमारी चाय। ये कप है अरुण का, ये मेरा, और ये दूध में पत्ती डाली हुई है विहान के लिए। और यहाँ दो बिस्किट्स आए हैं, ये हैं नाइस के बिस्किट्स हैं ना ये? हाँ, ये नाइस के बिस्किट्स हैं। और ये आई है पीनट्स, मसाला पीनट है ये। तो ये अब हम चाय करेंगे। और मैंने अभी यहाँ पे नेल पॉलिश लगाई थी, चेंज करी थी, ये देखिए। तो ये नेल पॉलिश का कलर है मेरा, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। और ये है इंस्टेंट डिप एंड ट्विस्ट। ये बहुत, जब से ये आया है ना, तब से नेल पॉलिश छुटाने में बहुत आसानी है, रिमूव करने में बहुत आसानी होती है। तो ये एक है, काफ़ी चलता है, बहुत अच्छा। वेनिला एंड रोज फ्लेवर है इसका, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, स्विस ब्यूटी का है। तो ऐसे मैंने एक मंगवा लिया, महीनों तक चलता है मेरा। और जब भी मेरा मन करता है नेल पॉलिश दूसरी लगाने का, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ, नेल पेंट रिमूवर को और डिप एंड ट्विस्ट वाले को, और दूसरी नेल पॉलिश लगा लेती हूँ। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम चाय पीते हैं। विहान आ जाओ बेटा, तुम्हारे भी गले में थोड़ा सा खराश सी हो रही है ना, आ जाओ। जी के याद हो गई है? ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ। एक बार ऐसे ही देख रहा हूँ मैं। अच्छा देख लो, रिवाइज कर रहा है ये। विहान देखो क्या लाए पापा। देखो तो सही क्या क्या चीज है। ओह माय गॉड, क्रैक्स। अब तुम्हारे क्रैक्स खाने के, इसके अंदर ना एक गिफ्ट भी निकलता है। हाँ, सुपर टॉय। ये भी एक और, अच्छा ये कॉफी है, और ये भी नटखट। ये बहुत टेस्टी होते हैं खाने में। हैप्पी हैप्पी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे कर लेती हूँ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो। मिलती रहूंगी इसी तरीके के कुछ इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।